माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर नमस्कार। मेरा नाम है आर अक्षरा सिरी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रंगारेड्डी हैदराबाद की नवी कक्षा की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, हमें अधिक भाषाएं सीखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं इसमें आपकी मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू अक्षरा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, इसी से मिलता जुलता प्रश्न रितिका गोडके भारत की हृदय नगरी भोपाल से आई हैं। वे हमारे साथ सभागार में हैं। रितिका, कृपया अपना प्रश्न पूछें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम रितिका घोड़के है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं की छात्र शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय स्कूल फॉर एक्सीलेंस की छात्रा हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि हम अधिक से अधिक भाषाएं कैसे सीख सकते हैं और ये क्यों जरूरी है? धन्यवाद। धन्यवाद रितिका। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया अक्षरा और रितिका को बहुभाषी कौशल प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करें, जो कि समय की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे मैं शुरू में कह रहा था कि बाकी चीजें छोड़ करके थोड़ा फोकस होते जाइए, लेकिन एक ऐसा सवाल है कि जिसमें मैं कहता हूं कि आप जरा एक्स्ट्रोवर्ट हो जाइए। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी होता है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। ये हमारा रिचनेस है, हमारी समृद्धि है। हमें अपनी इस समृद्धि पर गर्व होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई विदेशी व्यक्ति हमें मिल जाए और उसको पता चले कि आप इंडिया के हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा तो आपको नमस्ते करेगा, नमस्ते बोलेगा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बोलेगा। जैसा ही वो बोलेगा, आपके कान सचेत हो जाते हैं, उसको पहले राउंड में अपनापन महसूस होने लगता है। अच्छा, एक विदेशी व्यक्ति नमस्ते बोलता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है, इसका ये उदाहरण है। इतने बड़े देश में आप रहते हैं, आपने कभी सोचा है कि शौक के नाते, जैसे हम कभी सोचते हैं मैं तबला सीखूं, कभी मैं सोचता हूं मैं फ्लूट सीखूं, मैं सितार सीखूं, पियानो सीखूं, ऐसा मन में करता है कि नहीं करता है? वो भी एक हमारी अतिरिक्त विधा डेवलप होती है कि नहीं होती है? अगर ये होता है तो मन लगा करके अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य की एकाध दो भाषा सीखने में क्या जाता है? कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ हम भाषा सीखते हैं मतलब बोलचाल के कुछ वाक्य सीख जाते, ऐसा नहीं है। हम वहां के अनुभवों का निचोड़ जो होता है, एक एक भाषा की जब अभिव्यक्ति होना शुरू होती है ना, तो उसके पीछे हजारों साल की एक अविरत अखंड अविचल एक धारा होती है, अनुभव की धारा होती है, उतार चढ़ाव की धारा होती है, संकटों का सामना करते हुए निकली हुई धारा होती है। और तब जाकर के एक भाषा अभिव्यक्ति का रूप लेती है। हम एक भाषा को जब जानते हैं, तब आपको उस हजारों साल पुरानी दुनिया में प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है। और इसलिए बिना बोझ बनाए हमें भाषा सीखनी है। मैं कभी कभी हमेशा मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है, हमारे देश में कहीं पर कोई एक अच्छा स्मारक हो पत्थर का बना हुआ, और कोई हमें कहे कि ये 2000 साल पुराना है, तो हमें गर्व होता है कि नहीं होता है?
इतना बढ़िया चीज 2000 साल पहले थी, होता है कि नहीं होता है? किसी को भी गर्व होगा, फिर यह विचार नहीं आता है कि किस कोने में है। अरे भाई 2000 साल पहले का ये व्यवस्था है, कितना बढ़िया बनाया है, हमारे पूर्वजों को कितना ज्ञान होगा। अब मुझे बताइए, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा, दुनिया की सबसे पुरातन, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो, उस देश को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीना तान करके दुनिया को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे पास है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपको मालूम है हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, पूरी दुनिया की। इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है, इतना बड़ा गौरव देश के पास है, लेकिन हम सीना तान करके दुनिया में कहते नहीं है। मैं पिछली बार जब यूनो में मेरा भाषण था तो मैंने जानबूझकर कुछ तमिल बातें बताई, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता था, मुझे गर्व है कि तमिल भाषा दुनिया की श्रेष्ठ भाषा, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा ये मेरे देश की। हमें गर्व करना चाहिए। अब देखिए, बड़े आराम से उत्तर भारत का व्यक्ति डोसा खाता है कि नहीं खाता है? खाता है कि नहीं खाता है? संभार भी बड़े मजे से खाता है कि नहीं खाता है? तब तो उसको उत्तर दक्षिण कुछ नजर नहीं आता है। दक्षिण में जाइए आप तो वहां परोठा सब्जी भी मिल जाती है, पूरी सब्जी भी मिल जाती है, और बड़े चाव से लोग खाते हैं। गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई कोई तनाव नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है। जितनी सहजता से बाकी जिंदगी आती है, उतनी ही सहजता से, और मैं तो चाहूंगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मातृभाषा के उपरांत भारत की कोई न कोई भाषा, कुछ तो सेंटेंसेस आने चाहिए। आप देखिएगा, आपको आनंद आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिलोगे और दो वाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोलोगे, एकदम अपनापन हो जाएगा। और इसलिए भाषा को बोझ के रूप में नहीं। अब मुझे याद है, मैं जब बहुत साल पहले की बात थी, सामाजिक काम में लगा था, तो मैंने एक बच्ची को, और मैंने देखा है कि बच्चों में भाषा को कैच करने की बड़ी गजब की ताकत होती है, हड़प कर देते बहुत तेजी से। तो मैं कभी, हमारे यहाँ कैलिको मिल के एक मजदूर परिवार था अहमदाबाद में, तो मैं कभी उनके यहाँ भोजन के लिए जाता था, तो वहाँ एक बच्ची थी, वो कई भाषाएं बोलती थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो मजदूरों की कॉलोनी थी, तो कॉस्मोपोलिटन थी, उसकी माताजी केरल से थी, पिताजी बंगाल से थे, पूरा कॉस्मोपोलिटन होने के कारण हिंदी चलती थी, बगल में ये परिवार मराठी था, और स्कूल जो होती थी वो गुजराती होती थी। मैं हैरान था, वो 7-8 साल की बच्ची बंगाली, मराठी, मलयालम, हिंदी इतनी तेज गति से बढ़िया बोलती थी, और घर में अगर 5 लोग बैठे हैं, इससे बात करनी तो बंगाली में करेगी, इससे करेगी तो मलयालम में करेगी, इससे करेगी तो गुजराती में करेगी। 8-10 साल की बच्ची थी, यानी उसकी उसकी प्रतिभा खिल रही थी। और इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह रहेगा कि हमें अपना, अपनी विरासत पे, और मैंने तो इस बार लाल किले से भी कहा था पंच प्राण की बात, अपनी विरासत पे हमें गर्व होना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी भाषा हमें दी है। ये हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, हर भाषा पे गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।